अगर आपको कोई बोलता कि आप बाहर डांसर हो या ऐसा कुछ चीजें, आपको कोई बोलता तो आप उस चीज को कैसे लेती, बिकॉज एक गर्ल गर्ल को ये चीजें बोल रही है। सो मनारा की बात करते हैं जिनको मैंने ये बात बोली है, तो मनारा ने दूसरे वीक से ही हर लड़की के कैरेक्टर पे बातें करनी शुरू कर दी। दूसरा वीक तो घर के अंदर जाने के बाद इतना कम टाइम होता है, इतना कम टाइम होता है कि आप किसी को एकदम से जज नहीं कर सकते, बट मनारा ने वो भी किया। मनारा ने, मैंने सिर्फ मनारा के लिए बोला, मनारा ने ईशा, आयशा, अंकिता, खानजादी, सना, शी हैज टॉक्ड अबाउट एवरी वुमेन इनसाइड द हाउस। तो मुझे लगता है कि जब उनके ऊपर बात आई ना, उनका ऐसा रिएक्शन निकल गया, उन्होंने शायद इतनी गंदी गंदी चीजें बोली। आयशा को उन्होंने बोला है मनारा ने कि आप बस यही कर सकती हो, आप बस अपना आगे से दिखाओ, पीछे से दिखाओ। मुझे उन्होंने बोला है आप कभी किसी की नहीं हो सकती, आपका तो यही कैरेक्टर है। खानजादी को उन्होंने बोला है कि आप एक लव एंगल के लिए अपनी इज्जत गिरा रही है शो में एंड वॉट नॉट। तो मुझे ऐसे लगता है कि इतने टाइम तक शांत रह के अगर उनकी किसी इंस्टिगेशन पे मैं भड़क गई और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मेरे मुंह से वो कस वर्ड्स निकल गए, मैं अपोलोजेटिक थी खुद के लिए। मुझे खुद को ऐसा फील नहीं हो रहा था कि यार पूरे शो में मैंने ऐसे शब्द यूज नहीं किए तो मैं अब क्यों कर रही हूँ। बट देयर इज अ लेवल किसी को इंस्टिगेट करने का, और मुझे भी अगर इतनी बार बोला जाएगा तो रिप्लाई आएगा मेरी तरफ से। मेरे लिए भी डेफिनेटली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है एविक्शन, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई सेल्फ इन टॉप 5 एटलीस्ट। और जो लोग अंदर हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ उन लोगों की जगह पे मैं थोड़ी ज्यादा डिजर्विंग हूँ। दिस इज व्हाट आई फील व्हेन आई वाज कमिंग आउट ऑफ द हाउस, बट इट्स ओके यार, होता है, जर्नी थी मेरी, बढ़िया रही है। आपकी जगह कौन निकलना चाहिए था? अरुण भाई, कोई शक ही नहीं है उसमें। नहीं, बट नॉमिनेशन में से जो चार लोग थे तो मुझे कंपैरेटिवली आयशा चली गई एक दिन पहले। मुझे कंपैरेटिवली लगता है कि विक्की भाई, अगर इफ इवन इफ वोटिंग प्रोसीजर भी हुआ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर विक्की भाई और मेरी फैन फॉलोइंग देखो तो उस बेसिस पे भी आई डोंट नो वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग, जहाँ मुझे कम वोट्स आए या जो भी हुआ, जितना वोटिंग बेसिस पे ही हुआ है, जो भी एलिमिनेशन हुआ है। तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था, अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा तो मैं तो रजिस्टर भी नहीं कर पाई, क्योंकि हो गया शायद इसलिए अड़बड़ी में, ना मेरे आंसू निकले ना कुछ निकला, मैं चली गई बस चुपचाप घर के बाहर सबको मिलके। तो हाँ, थोड़ा दुख हुआ कि फिनाले के इतने करीब आके रह गई मैं थोड़ा सा। ईशा, ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये ईशा का एलिमिनेशन ईशा के खुद की वजह से हुआ है, बिकॉज जो फिनाले वीक में नहीं पहुंच पाई और फिर बाद में जो एग्रेशन आपका निकला, आपने जो मना मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों की गलतियां रजिस्टर की ही नहीं गई, क्योंकि वो कहीं कोने कोपचे में छुप छुप के बोलते रहते थे, और शायद मेरी आवाज़ इतनी लाउड और इतनी क्लियर है कि मैं कुछ भी किसी को बोलती थी या मैं कुछ बुरा बोलती हूँ या अच्छा बोलती हूँ तो वो बहुत ओपनली बाहर जाता था कि ओके अच्छा ईशा ये बोल रही है या वो बोल रही है। और मुझे कभी भी पूरे गेम में थ्रू आउट द शो अपने लिए बोलने के लिए कोई इंसान लगा नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगा है कि मैं खुद इनफ हूँ अकेली अपने लिए बात करने के लिए, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है या कोई भी मैटर है। और जो रही पिछले वीक की बात, जो भी मनारा और मेरी चीज़ हुई, तो इन द होल शो किसी भी चीज़ की पहल मेरी तरफ से नहीं हुई है, मैंने कोई भी चीज़ पहले नहीं की है अपनी तरफ से खुद को विक्टिम दिखाने के लिए। मेरे ऊपर जब चीज़ें आई तो मेरे सिर्फ जवाब निकले, और शायद जवाब दूसरों के लिए इतने हर्टफुल थे कि उनका एक सिंपथी कार्ड अचानक से शुरू हो गया कि अरे बाप रे ईशा ने क्या ही बोल दिया। मुझे ऐसा लगता है मैं वहाँ चुक गई जहाँ मैं लोगों को रो रो के ये नहीं बता पाई कि मुझे भी इतना बुरा बुरा बोला गया है कहीं ना कहीं। डेफिनेटली मैंने बोला, क्योंकि ये मैंने खुद की सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं फील किया है इन समर देन माई सिचुएशन। मनारा की चिढ़ाने की बहुत ही पर्टिकुलर आदत है, क्योंकि जब मेरी मनारा और समर्थ वर इन गुड टर्म्स, पर जब मैं और मनारा ठीक टर्म्स पे नहीं थे तो हमेशा जब भी मैं, समर्थ और मनारा अगर एक रूम में, तो शी मेड श्योर कि वो यू नो समर्थ को बोले अरे कितना अच्छा शर्ट है या क्या है, मुझे सुनाने के लिए। अकेले में वो कभी नहीं बोलेगी, मेरे सामने डेफिनेटली बोलेगी, जस्ट टू टीज यू नो, कि अगर मेल पार्टनर से मेरी अच्छी बन रही तो फीमेल पार्टनर को मैं टीज करूंगी। तो मैंने यही बोला कि अंकिता जी का जो रिएक्शन है या जो इमोशन है वो गलत है ही नहीं कहीं से कहीं तक। एक लड़की का अगर अटेंशन डिवाइड होगा तो उसको बुरा फील होगा, विच इज वेरी नेचुरल।